गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम एलटी ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे और उसे फिक्शन चैप्टर से द ओल्ड मैन एंड सी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे के राइटर हैं, जो हम इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आज बात करेंगे, जो एलटी ग्रेड के होने वाले एग्जाम हैं उसमें आने की पूर्ण संभावना है, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संकलन मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। जो एलटी ग्रेड एग्ज़ाम है इसकी दिन तो आपको पता ही, 6 में आप लोग जोरों से तैयारी करिए। और द ओल्ड मैन एंड सी से मैं आपको इम्पोर्टेंट कलेक्शन बताने जा रहा हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए एक एक करके हम उस पर डिस्कस करते हैं। द ओल्ड मैन एंड सी का यह हमारा पहला क्वेश्चन है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हेमिंग्वे रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे थे उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, जैसे आप लोग को पता ही होगा, लिटरेचर के लिए। यह किस ईयर मिला था? आपका ऑप्शन है 1954, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1957। पहला क्वेश्चन, हेमिंग्वे रिसीव्ड द नोबेल अवार्ड फॉर लिटरेचर इन, आपके पास चार ऑप्शन है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, नहीं तो मैं आपको आंसर यहाँ तो बताऊंगा ही। जैसा कि बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, आपका सही आंसर ऑप्शन ए 1954 में हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज दिया गया था। आइए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। द ओल्ड मैन एंड सी से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए यंग बॉय हु अपेयर इन द नॉवेल, इस नॉवेल में एक यंग बॉय का जिक्र हुआ है, उसकी बात कही गई है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट करेक्टर है, वह कौन सा? ऑप्शन ए मैनोलिन, ऑप्शन बी मार्लिन, ऑप्शन सी सुमोलिन, ऑप्शन डी कैथोलिन। क्या हो सकता है आपको? अगर आपने नॉवेल पढ़ा होगा तो आपको आंसर पता होगा। बिल्कुल सही जवाब आपका इसका मैनोलिन, ऑप्शन ए सही जवाब है। आइए हम आपको लेके चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द नोबेल द ओल्ड मैन एंड द सी रिसीव्ड पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन। जैसा कि आपको अच्छे से पता है, द ओल्ड मैन एंड सी अर्नेस्ट हेमिंग्वे के नोबेल को पुलित्जर प्राइज मिला था। यह पुलित्जर प्राइज किस सन दिया गया था? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1956। किस ईयर द ओल्ड मैन एंड सी को पुलित्जर प्राइज दिया गया था? जैसा कि मुझे अंदाज़ा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। और इसका ऑप्शन ए 1953 में पुलित्जर प्राइज अवार्ड किया गया था, उन्हीं के लिए नोबेल मिला था। आगे चलते हैं क्वेश्चन फोर पे। सेंटियागो हैड नॉट कैच अ सिंगल फिश फॉर द ओल्ड मैन एंड सी का सेंटियागो दो प्रोटागोनिस्ट है, ऐसे कहा जा सकता है हीरो है, उन्होंने एक भी मछली नहीं पकड़ी। कितने दिनों तक उसको जाल में एक भी मछली नहीं फंसी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अन्य कई एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछ भी चुका है। ऑप्शन ए 80 डे, ऑप्शन बी 81 डे, ऑप्शन सी 83 डे, ऑप्शन डी 84 डे। आपका बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन डी 84 दिनों तक उसके जाल में कोई मछली नहीं फंसी थी। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द ओल्ड मैन एंड सी से। इन द ओल्ड मैन एंड द सी नॉवेल में इन द ओल्ड मैन एंड सी सेंटियागो इज, सेंटियागो क्या रहता है? द ओल्ड मैन एंड सी में जो प्रोटोगनिस्ट करेक्टर सेंटियागो, वह क्या रहता है? पहला ए नाइजीरियन फिशरमैन, बी एन आयरिश फिशरमैन, सी अ क्यूबन फिशरमैन, डी एन इंडियन फिशरमैन। जैसा कि आप लोग को तो पता ही होगा कि सेंटियागो एक फिशरमैन रहता है, अब वो कौन सा फिशरमैन रहता है द ओल्ड मैन एंड सी नॉवेल में? ठीक, इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोग सोच रहे हैं, जिन्होंने नॉवेल पढ़ा उन्हें पता भी होगा, ऑप्शन
सी इसका करेक्ट जवाब है। आइए हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट है। द ओल्ड मैन एंड सी वॉज फर्स्ट पब्लिश इन सेप्टेम्बर 1952। ये तो आपको पता ही होगा, द ओल्ड मैन एंड सी 1952 में पब्लिश की गई थी एर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा। तो यह किस में पब्लिश की गई थी, सितंबर महीने 1952 में पब्लिश की गई थी, किस में पब्लिश की गई थी? पहला ऑप्शन लाइफ, बी वाइफ, सी नाइफ, डी न्यू मैगजीन। ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही है आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल सही, आप इसमें ऑप्शन ए सही जवाब है, लाइफ मैगजीन में से पब्लिश की गई थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, सेंटियागो इज सक्सेसफुल टू किल द कैप्टिव फिश ऑन। जो सेंटियागो द ओल्ड मैन एंड सी का, जैसे मैंने बताया कि वो प्रोटैगनिस्ट है, करेक्टर इंपॉर्टेंट करेक्टर है, पूरी कहानी उसी के लेके लिखी गई है, उसी के समुद्री एडवेंचर पे लिखी गई है। तो इसका क्या हो सकता है, ऑफ 87 दे 88 दे 89 दे नॉन ऑफ दिस, कौन से दिन उसने मार दिया था? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, यानी 87 दिन तक। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं, द ओल्ड मैन एंड सी के, मार्लिन इज 18 फीट लॉन्ग, इट इज़, जो 18 फीट लॉन्ग मार्लिन रहती है, क्या रहती है इस नॉवेल में जिसकी लंबाई 18 फीट रहती है? ए रिवर, बी अ बॉय, सी अ फिश, डी नॉन ऑफ दिस। इस नॉवेल का मार्लिन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ऑप्शन सी, जो एक फिश रहती है। जैसा कि मैंने आपको ओल्ड मैन एंड सी पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी दी, मैं अपने आने वाले वीडियो पे इसी तरह जितने भी 13 फिक्शन से उन पे 10-10, 8-8 क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं वीडियो बनाऊंगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आगे की वीडियो आपको